सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार करमूँ। इस टाइम कैथल का महिला थाना में हूँ। दिखा दे भाई। और भाई आड़े जो नई नई SHO आई है महिला थाना में, मैडम मंजू सिंह, उनके उनके ऊपर देसी रेड मारांगे, पूछांगे सेवा सुरक्षा सहयोग। बाकी मेरे पर जो इनपुट है, मैडम के ईमानदारी के चर्चे हैं, जुझारू है, मेहनती है, देसी पड़ताल भी कर लेंगे लगे इस रेड में। महिला थाना मेरे गला चलो और जानकारी। और भाई रांचू करते घुमा दे, आए रहे हैं, दे रहे हैं भाई। चल पहले थाने में तो हमने बेरा आजकल चल दिए रहे, लेकिन हम दोनों को वहाँ भाई थाने में क्यों पूछा भगवान। दुर्गा शक्ति का भी कोरोना टेस्ट हुआ है, क्योंकि जो जखोली अड्डा है एक जूस वाला संक्रमित पाया था, जूस पी रखा था दुर्गा शक्ति वाली महिलाओं ने जो महिला पुलिस में है, तो उनका टेस्ट हुआ है। एक खुशखबरी है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज मेरे गला महिला थाना है भाई, ये देखो दुर्गा शक्ति की बात करांगे तो महिला थाना कैथल सेवा सुरक्षा सहयोग की बात आओगी। आप इधर देखोगे दुर्गा शक्ति कैथल, चलो मेरे गला आज। मैडम जी राम राम जी, राम राम मैडम जी, राम राम जी, मारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। फोन आ गया, राम राम जी, राम राम। किसी ने फोन कर दिया, देखा अब कर्मू आ गया, फोन आ गया, देखा राम राम एक बार और करते, राम राम जी, राम राम। मैडम आप भी राम राम कर दो, राम राम जी, हम भी सारे राम राम कर दें। महिला थाना मानस भी है। मैडम एक बार आओगे उरान थोड़ा, वो जो हूँ तो सारा रोड़ा तो कुर्सी का, कुर्सी से लेके सब छूट देखो नी मन या परमानेंट कौन छुटाई दोबारा है जी वाड़े। मैं मैडम भाई, क्योंकि मैडम सेवा सुरक्षा सहयोग की जो बात आओगी ना, तो उसमें लेकर मैं थोड़ा पूछना चाहूँ था। मेरे पर थोड़ी इनपुट थी मैडम, मतलब मेहनती भी हैं, लगातार लाग रहे हैं और रुका खुड़का नहीं हो रहा है भाई, अपनी मतलब शिद्दत के साथ काम कर रहे हो। और महिला थाना में एक पुरुष थाना में क्या अंतर हुए पूछूंगा, वर्किंग स्टाइल भी पूछूंगा। पहले तो मैडम जी आपकी क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मैं BSc मेडिकल MA इंग्लिश हूँ। अच्छा जी, और कब ज्वाइन करा मैडम आप? 2004 में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। अच्छा, मेरा आने तक घबराए तो नहीं? ना ना, घबराना सारा दिन पब्लिक ही आती है, आप भी पब्लिक में से ही हो जी। किसे किसे डाल के पब्लिक आवा, कई बार सिर में दर्द हो जाता होगा, सेराडोन आजकल बंद हो रही है ना मैडम? ना ना, सर में दर्द तो क्या, काम तो 24 घंटे करना है पुलिस ने। अच्छा, कई बार जिस तरह बात आवा है सामाजिक न्याय की, भाई मौका है सुल्तान की, आपने इसी सिचुएशन आओ है भाई, कोशिश करके नू सोचा भी किसी की FIR दर्ज ना हुआ है और घर बसे रहो हैं, क्योंकि जब दर्ज हो जाए फिर आगे तो आकर रबड़ की डाल बदे जाओ मामला, तारे बाद में फिर कोर्ट में चले जाओ है। इसी मामला इसी बात आई भाई, गले गले दोनों पार्टी बैठी और उन्होंने सुलझाने की समझाने की कोशिश हो है 95% में। अच्छा, हम यही है, ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है भी, हस्बैंड वाइफ के जो डिस्प्यूट है उनमें आप टाइम ले सकते हो, हमें हमारी पहले यही कोशिश रहती है भी उसका घर बस जाए। अच्छा, अगर हमें 5% भी चांसेस लगते हैं भी इनका घर बस सकता है, तो हम और टाइम दे देते हैं उनको, पूरा जोर लगा के उनको समझा बुझा के, जो भी कंडीशंस दोनों तरफ से लगती है लगा लगू के, हमारी पहले कोशिश यही रहती है हम उनका घर बसा दें। 95% केसेस में कॉम्प्रोमाइज ही होते हैं मियाँ बीबी में, बिल्कुल जिनका ऐसे हो भी घर, हम बच्चे भी देखते हैं, उनके बच्चे भी हो रहे हैं पैदा, वो कहाँ जाएंगे, वो एक तरफ जाएंगे, बच्चे भी रुल जाएंगे। काउंसलिंग भी होती है मैडम? काउंसलिंग होती है इन केसेस में, तो 3-4 काउंसलिंग तो मैंडेटरी है, वो तो कंपलसरी है, सीधा आते हैं तो इन केसेस में पर्चा दर्ज होता ही नहीं। अच्छा, काउंसलिंग का हमारी महिला सेल है, वहाँ भी काउंसलिंग है, तो इनकी तो पहले दरखास्त लेके हम बुलाते हैं दोनों पक्ष, आमने सामने करें सारे, उनके बिल्कुल डिस्प्यूट दूर करवाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही जब ऐसे हो भी अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब ही पर्चा दर्ज होता है। मैडम जी इसमें मतलब एक तो क्योंकि जब आप एजुकेशन करा, आपकी हायर एजुकेशन भी है, आप और लाइन में भी जा सको थे, आपने नू लग गया है भी मैं पुलिस में आकर संतुष्ट हूँ, को और लाइन भी मतलब कदे कदे नू आवे है भी कड़े उखड़ में सिर दे लिया लगा कभी कभी? वो तो ये पुलिस का थोड़ा सा ये तो है ही भी, बच्चों को थोड़ा महसूस होता है, हम तो ढल गए इस दिनचर्या में, 24 घंटे की ड्यूटी है दिन रात, पर अब तो कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ गई हमें भी। जी जी, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, क्या नाम उनका? मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, पुलिस इंस्पेक्टर है, 1/11 प्रदीप कुमार नाम है जी, हाँ CIA 2 इंचार्ज है कैथल में। अच्छा, फिर उनका तो तजुर्बा बहुत मिलता होगा आपने सीखने में? बहुत जी बहुत, हाँ वो तो काफ़ी लंबे टाइम लगातार SHO रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं थोड़ा बच्चे छोटे करके SHO-ship में कम रही हूँ, अभी तक इंचार्ज वगैरह और ब्रांचेज में लगती रही। प्रदीप जी वही है क्या जो अपना CT SHO सिटी थाना में? अच्छा, वो आपके हस्बैंड अब CIA में? लास्ट सवा साल से वो लगातार CT SHO थे, अभी जब ये
30 अप्रैल को जब मेरे यहाँ ऑर्डर हुए उस दिन उनके CIA 2 के इंचार्ज के ऑर्डर के बाद दोनों इकट्ठे ट्रांसफर कराओ। ट्रांसफर तो गवर्नमेंट की सहूलियत है, अच्छा कपल केस में इकट्ठी हो जाती है ट्रांसफर। जी 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 अच्छा एक चीज़ हो रहा है उनमें तो मैंने देखा है पुरुष थाने में तो कौन ही मारो है कौन ही बिठानी है धमकानी है कई बार चला कर जी धमकी बबकी थपकी सारे डाल के चल रहे हैं। अपना महिला थाना में भी वो है भाई कौन ही बिठाने वाली किसी का मतलब समझाना पड़ता है सूत्र डाल कौन ही बिठानी ये तो आप धमकाना पड़े नहीं कोई ज्यादा मतलब आकड़ पड़ता हो वो थोड़ा सीधा रखना पड़े उसको जो होते हैं उनको तो थोड़ा सा खींच के बात तो करनी पड़ती है जी समझाना तो पड़ता ही है हमारे अपने तरीकों से लेकिन वो कूड़ी बिठाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। उनको हम कानून के बारे में बताते हैं भी आप ये नहीं करोगे कानून निपट लेगा फिर उनसे और जेल भी बन रही मैडम अरे हाँ जेल भी है जी हमारे चलो वो भी दिखावांगे। अच्छा या प्रयोग भी करोगे नो उधर रखो करते हैं इसके आप भी करो एकदम पानी की वो नहीं मिलती ना बाहर एकदम कोई आए एकदम पानी लेके कौन खड़ा हो इसलिए हम आते इससे हाथ साफ करवाते हैं बाकी वैसे तो साबुन से हाथ धोने चाहिए वॉश बेसिन लगवा रखी है बाहर। अच्छा एक चीज है मैडम एक बात सुन आई भैया जो है थाने नहीं थे नहीं इतने मतलब रोड़े रबड़े भी कम थे थाने बढ़े तो रोड़े रबड़े भी बढ़ते गए रोड़े की वजह तो थाने एक थाने की वजह तो रोड़े हैं केला गया आपने तो आपका काफी तजुर्बा हो गया कितने साल थे आप उस पे हो। मैं 2004 से ही हूँ जी सब इंस्पेक्टर एक्सपीरियंस तो 7-8 साल डेस्क पे भी रही हूँ मैं। रोले रबड़े तो होते ही रहते हैं महिला थाने बन गए थोड़ा महिलाएँ एजिटेट कम होती है यहाँ आ जाती है। किस डाल के केस ज़्यादा हुए मैडम मतलब जिस पर आप पहले महिलाएं थोड़ी अपने आप को अबला समझती थी हस्बैंड मारते पीटते रहते थे वो घर में काम करती रहती थी अब वो दरखास्त लेके आ जाती है हम समझा देते हैं होना भी यही चाहिए भी जब वो स्त्री घर पे काम करती है आपके बच्चे पाल रही है तो आप उनके साथ क्यों मारपीट करते हैं। कोई सब गुरु मंत्र दे दो ना भाई तर तो आना नहीं पड़े उन्हें और बोले रोला ही नहीं मचे तारी भी सिर दर्दी मिट्टी रो है मतलब कोई गुरु मंत्र दे आपका तो एक तजुर्बा हो गया नहीं केस डील कर कर गए कोई तजुर्बा मतलब ऐसा कोई गुरु मंत्र मंत्र तो ये अभी हस्बैंड को अपनी वाइफ को हम तो यही कहते हैं भी बराबर ही कदरजा देना चाहिए भी आप हस्बैंड हो वो भी इंसान है ये नहीं है भी वो सर्वेंट है घर पे आप उसको सर्वेंट की तरह ट्रीट करो दारू पी के आके वो घर का काम भी कर रही है उसके साथ मारपीट करने लग जाते हो तो यही केसेस ज़्यादा सामने आते हैं घरेलू हिंसा। हाँ शराब पी के हस्बैंड मारपीट करते हैं शराब भी एक कारण है घरेलू हिंसा का बहुत बहुत बड़ा कारण है। बाद में अगर आप घर आते हो छोटे बच्चे उन पे भी गलत असर पड़ता है तो मैं तो यही कहूँगी भी आप ऐसे काम ना करें तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मंजू सिंह का रूटीन क्या रहा है मतलब कितने बजे आप आ जाओ फिर मतलब हालांकि पुलिस के मामले तो देखा है ड्यूटी या ड्यूटी ये है कि किस टाइम अलर्ट हो जाए किस टाइम आपको एकदम आना पड़े अचानक भी कई बार फोन आ जाते हो उसका आप सोने की तैयारी में हो और जी भी कोई इमरजेंसी आ जाए आना पड़ता होगा। रूटीन का तो ये है जैसे सुबह उठ के दो बच्चे भी हैं छोटे उनके डेली के काम सारे निपटा के थाने में आना उसके बाद दोपहर में बच्चों के जब वो भी इस पे डिपेंड है बच्चे भी हमारे हैबिचुअल है भी मम्मी नहीं आ पाएगी तो वो अपना काम भी चला लेते हैं बाकी उनको खाना दिन में फिर खिला के आना बाकी अब जैसे अब मैं बैठी हूँ तो देख लेते हैं काम अपना निपटा के जाए पर फ्री तो किसी भी टाइम नहीं होते हम घर चले भी गए तो कभी भी वापस आना है चाहे रात हो 24 घंटे की ड्यूटी है तो हम हाजिर है फोन पे तो हमेशा हाजिर है हम किसी भी टाइम किसी को भी जरूरत पड़े हमें आना पड़ता है। अच्छा दुर्गा शक्ति की बात भी कर रहा था मैं और सुन में भी आता हुआ सच्चाई है कि जी उनके टेस्ट हुए हैं कोरोना टेस्ट दुर्गा शक्ति की टीम के। दुर्गा शक्ति का ऐसे है वो उनकी जो गश्त रहती है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाते हैं तो उन्होंने जैसे अब कोरोना के केस बढ़ने लग गए तो वो उनकी गश्त पिछले 2-3 दिनों से जिस एरिया में रही है वहाँ से 2-3 कोरोना के उठाए गए पेशेंट तो हमने एहतियात के तौर पे उनके टेस्ट करवाए थे तो, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है वो वापस अपनी ड्यूटी पे आ गए। ये तो खुशखबरी है। फिर भी आप मतलब इन टाइप के समझा रहे थे जो मुलाजिम बैठे हैं घुमाए उन्होंने भाई इन्हें क्या समझाओ थे भाई क्यों कर करने हैं अड़े के तड़े हैं अड़े के तड़े तो कई बार ये मामला देखो जब लोग को नहीं मार दो फोन कर करके अड़े के तड़े बहुत करें थाने में अड़े के तड़े का यू फार्मूला मतलब यू खड़ते लिखकर आया इसमें सच्चाई है क्या मैडम।
नहीं नहीं मैंने तो आपसे सुना है जी अड़े के धड़े कौन है नहीं नहीं बिल्कुल मैं यही कह रही थी जो आपके पास कोई कंप्लेनेंट आता है तो आप उसकी बात सुने मौके पर जाएं सच्चाई जो सच्चाई है उसके हिसाब से काम करें जो जिसका कसूर नहीं है उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करते जिसका कसूर है उसी के खिलाफ बख्श देनी है बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा हर थाना में मतलब मुंशी आईओ है उनकी कार्यशैली पे कई बारी हो जाए मतलब लोग भाई आड़े का कौन आयु वगैरह कौन है यहाँ आयु तो हमारे काफी है जी आयु महिला थाने में पांच छह हमारे हेड कांस्टेबल है तीन एएसआई है एक सब इंस्पेक्टर है मुंशी भी है आयु पे सवाल उठ दे रहे हैं कई बारी आयु जो हल कर दे कई बार जो काम करेगा उस पे सवाल उठते भी है ऐसा नहीं है सभी मुलाजिम अपनी शिद्दत से बढ़िया काम कर रहे हैं बाकी जी लोग तो कह देते हैं जैसे पुलिस का ये रहता है ना जी दो पार्टी है दोनों का एक तो ना खुश होएगी एक खुश होएगी तो वो शिकायत तो करेगा जो ना खुश होगा दोनों वाले खुश करोगे तो फिर धर्म गड़बड़ हो जाएगी दोनों तो जी अब जो कसूरवार होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई तो होगी फिर वो तो हमें बुरा ही कहेगा कोरोना चल रहा है और आप महिला थाना की एस एच ओ हो कैथल की उस नाते मुलाजिमा की बात करो या फिर आम पब्लिक की बात करो खासकर महिलाओं को महिलाएं मतलब महिला सशक्त उनको सशक्त बनाने की बात है और कोरोना देखते हुए के एहतियात रखने चाहिए मैडम जी को सुझाव के तौर पर ताकि आप इस विपदा की महामारी में बचे रहें क्योंकि कल कल में 200 केस हो रहे हैं हरियाणा में लॉकडाउन में छूट दी तो इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आ लिए कोरोना में यही है अभी जैसे महिलाओं को कुछ शॉपिंग का ज़्यादा ही चाव रहता है तो मार्केट में आपका भी है हमारा मुझे भी है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता कर भी लेते शॉपिंग वो इस्तेमाल ही नहीं हो पाता सही बात तो सपने में जानते हो गए आज मैं बाजार में गई ये खरीदा वो खरीदा और देखिए खुली तो ये तो सपना था एक बच्चों में आजकल एक ट्रेंड आ गया फास्ट फूड बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने का तो मेरा यही है भी अभी इस महामारी को देखते हुए इन चीज़ों से बचो आप बाजार में निकलते हो तो ज़रूरी सामान जो बिल्कुल ज़रूरी है जैसे मेरा राशन ख़त्म हो गया है तो उन्हीं चीज़ों को और वो भी सेफ्टी जो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने दे रखे हैं भी आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो आप हाथ धो के घर से जाओ आके धो नहाओ ये जो सारे ये रूल अपनाओ तभी आप इससे बच सकते हो नहीं तो ये ऐसे ही फैलेगी महामारी चलो जी चलो ध्यान रखने की बात भी है बाकी देखो मैंने तो थोड़ी भापसी कड़वा ली आपकी ज़्यादा मेरे पर इनपुट है मैडम की जो काम करने का जो सलीका है तरीका है जो जज्बा है वो शिद्दत आला है जय तो पोचा ना माड़ा जय तो पोचा हूँ और मैंने मौका पे नूने कहा मौका पर चौका मार लिया और मैडम की मामने बाँप भी कटवा ली शुभकामनाएं जी आपको आप लोग कोरोना योद्धा हो सल्यूट आप लोगों को क्योंकि आप लोग तो दिन रात एक कर रहे हो इस टाइम सबसे बड़ी ड्यूटी आप पे दे रहे हो धन्यवाद मैडम थैंक यू जी थैंक यू चलो जी के बाद आपकी मैं गुमसुम से बैठे हो पूरे आपका कि मैं मैडम जो बातें कह रही थी ना मैं राइट थी उसके लिए सहमत थी जो मैडम कह रही थी हां हां वाली बात है यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं जी ये तो जी ये कोई बात नहीं है जो सामने है वही सच्चाई है जी सच में ये बातें रही थी 100% सही है शायद मैं यही उम्मीद सोच रही थी चलो जी ये पूछ रहा था मैं पुरुष मतलब मानसा की जरूरत भी पड़े स्टाफ में मानसा की तो जरूरत पड़े ना अब जैसे ये हमारे ड्राइवर की भी जरूरत पड़ती है हमें कई बार रात को पुरुष भी तो जेल में डालते हैं रात रात को रखना पड़ जाए हमने संतरी भी लगाना पड़ता है गेट पे भी हमें दो चार आदमी तो महिला थाने में भी लगाए गए हैं चलो जी सबको शुभकामनाएं हैं और मेरी बात तो बुरा ना माना करो कहते मतलब को बुरा मान से थोड़ा उन्होंने कहा पहले बुरा ना मानो देसी है अंदाज हरियाणवी बात करी बिना सिर पैर की बात करा को नहीं और हाँ बूंडा बोलते नहीं हूँ कि मैं कसर छोड़ते नहीं बूंडा नहीं बोलते जी चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद और इस खास देसी पड़ताल में मेरे गले जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी हम पूछेंगे किसी दूसरा थाना में बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बेबाकी दाय और मैडम मंजू सिंह की जो कार्यशैली है मेरी देसी पड़ताल में वह नू साबित हुई है भाई बहुत बढ़िया तरीका था शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं और इसे इसे जज्बा आए पुलिस ऑफिसर की आपने जरूरत है बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पड़ताल में मेरे को जुड़े मैं उतारा देसी पत्रकार करमूँ जय हिंद जय हरियाणा एक बार जेल दिखाएगा ठोको शेर कमा जेल दिखा देगी यह है भाई ये वाला था अलग अलग ये चलो जी तो कुल मिलाकर सबके लिए एक मैसेज है अपना कोरोना का टाइम चल रहा है भाई सावधानी रहो सावधान रखो उड़ानता है जो उड़ान ले ले उड़ानता हाँ बस इधर कर ले सावधान रहो चौकस रहो और भाई अपना भी ख्याल रखो दूसरा का भी ख्याल रखो कुछ कहना जी आपने कुछ आप भी पुलिस में हो गए हाँ जी लेडी कांस्टेबल निशा अच्छा आपका तो बेरा भी नहीं पड़ता पुलिस में
कम तबीयत खराब थी ना कुछ दिनों से, इसलिए गुप्त सूत्र नहीं हूँ पुलिस में, गुप्त सूत्र हो आप तो? नहीं 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 सर, लेडी कांस्टेबल नहीं हूं। हां कांस्टेबल तो कई बार भी अस्पताल के भी तो देखना पड़ा है किसी का भी कौन के गड़बड़ में है, सिचुएशन के हिसाब से होता है। हां होगी इसी टीम भी पुलिस में? नहीं सिचुएशन के हिसाब से कर लेते हैं ऐसे सीन। चलो चलो भाई कर दो शेयर जिला का, और वो हनुमान भी घुमा दे ऊपर, भाई ऊपर भी घुमा दे। चलो चलो ये तो करते दुर्गा शक्ति जरूर दिखा दे, बताइए कितने ये है। बोला झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी। चलो भाई आपने मतलब लड़के लड़के हम कोई भेद नहीं है भाई, छोरी क्या है मैं मतलब किसे तभी पीछे को नहीं, इस टाइम कांधा तक कांधा मिला के चल रहे हैं। कर दो शेर भाई कर दो। हमको सिंचाई का ये प्रयास है कि पंचायत तौर पर हल कर दे और दोनों में वो काम आ जाए। नहीं नहीं ऐसे आएगा नहीं जी, हाँ हाँ पंचायत वाला कर दो, पंचायत वाला काम कर दो, मेरे अधिकारे भी आप दोनों को सुन लो। हम तो ये करो कि ऐसा काम कराएंगे वही यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी आएगा। हमारा तो गिले से दूर हो गए हमारी तो, हाँ वो हम फिर उसका पेज दे देंगे।